नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज मैं आपसे बात करूंगी चंद्र ग्रहण के बारे में। इस साल 2020 में चार ग्रहण पड़ेंगे। पहला ग्रहण जो है वो 10 जनवरी 2020 को था, दूसरा ग्रहण 5 जून को है, तीसरा 5 जुलाई को, और जो इस साल का आखिरी ग्रहण है वो 30 नवंबर को होगा। 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण जो है वो भारत में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। जहाँ जहाँ ग्रहण देखा जाता है वहाँ उसका असर होता है, और चंद्र ग्रहण जो है वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है। ये ग्रहण जो है वो रात को 11:15 बजे, ये मैं भारत के समय के हिसाब से बता रही हूँ, रात को 11:15 बजे शुरू होगा 5 तारीख को, 1 बजे तक पीक पे चढ़ेगा और 2:30 बजे तक चलेगा। ये ग्रहण जो है वो वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो राशि में 21 डिग्री का ज्येष्ठा नक्षत्र में हो रहा है। चंद्रमा को ज्योतिष में हम मन का कारक मानते हैं, हमारे इमोशंस का कारक मानते हैं, हमारी सोच का कारक मानते हैं। अब इस ग्रहण के दौरान हम ये महसूस करेंगे कि हम इमोशनली जो है ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं। आप अपने मूड्स में जो है वॉलिटैलिटी देखेंगे, मूड स्विंग्स देखेंगे आप, हो सकता है ईगो भी आए। तो मेरी आप सबसे ये एडवाइस है कि ईगो में आके या ज़्यादा इमोशनल होके किसी से आर्ग्यूमेंट या किसी से बहस ना करें। चंद्र ग्रहण है, इमोशनल स्ट्रेस तो होगा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप जो है शिव जी की पूजा करें, शिव चालीसा करें या महामृत्युंजय का पाठ करें। मेडिटेशन का ग्रहण के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है और बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के समय खास करके मेडिटेशन ज़रूर करें। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाते हैं, सूतक के दौरान क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ये हम सबको पता ही है। तो ग्रहण का असर हम इंडिविजुअल्स पे तो होता ही होता है, इसके अलावा नेशनल लेवल देश पे भी उसका असर देखने को मिलता है। चंद्रमा जल का कारक है। पिछले कुछ दिनों में हमें न्यूज़ में देख भी रहे हैं कि कई राज्य हैं जहाँ पे जो तूफान आ रहा है या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस ग्रहण के बाद हम मौसम में अलग अलग तरह का परिवर्तन देखेंगे और बहुत ही वॉलेटाइल परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि एकदम से बहुत तेज़ बारिश आना, बहुत तेज़ आंधी आना या एकदम से बहुत तेज़ धूप हो जाना। इस ग्रहण में जैसे ग्रहण का हिस्सा सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु तो होते ही होते हैं, इस बार इस ग्रहण में 4 ग्रह वक्रीय भी हैं जो कि इस ग्रहण को और यूनिक भी बना रहा है। और सूर्य के साथ शुक्र यानी कि वीनस जो है वो कंजंक्ट है। शुक्र जो है वो वक्रीय है, उसके साथ साथ अस्त भी हैं, और शुक्र जो है वो कारक है फाइनेंस का, पैसे का। तो नेशनल लेवल पे जो है आप ये देखेंगे कि फाइनेंशियल डिसीजंस को लेके या फाइनेंस को लेके थोड़ा कंस्ट्रेन रहेगा, थोड़ी हलचल रहेगी। बॉर्डर को लेके हम सब बहुत चिंतित हैं, जिस तरह की स्थिति आजकल बॉर्डर पे बनी हुई है। इस ग्रहण के बाद सिचुएशन और ज़्यादा टेंस होगी। भारत को कोई ना कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाना पड़ेगा इस टेंशन को कंट्रोल में करने के लिए। 21 जून को अगला सूर्य ग्रहण है, उसका असर हम सब पे क्या होगा ये मैं अपने अगले वीडियो में आप सब से बात करूंगी। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।